हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ आदि का विशेष महत्व है और माना जाता है कि सुखी जीवन और प्रगति के लिए ये काफी आवश्यक भी है। पूजा पाठ आदि में हम दिया जलाते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं, जो एक परंपरा की तरह है। ये सब पूजा में उपयोग करना शुभ माना जाता है, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि अगरबत्ती का इस्तेमाल हमारे लिए काफी अशुभ होता है। जिस अगरबत्ती का इस्तेमाल हम पूजा स्थल के वातावरण शुद्ध करने के लिए करते हैं, वो हमारे भाग्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार भी अगरबत्ती और धूप जलाना बिल्कुल निरीह माना जाता है। आइए ऐसा क्यों है हम आपको समझाते हैं। आजकल जो अगरबत्ती उपलब्ध है उसमें बांस की स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और बांस की लकड़ी हिंदू धर्म में अछूत मानी जाती है। धार्मिक तथ्यों के अनुसार इसका इस्तेमाल सिर्फ चिता को शमशान ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बांस की लकड़ी का इस्तेमाल दाह संस्कार के लिए भी नहीं किया जाता। चिता को शमशान ले जाने के बाद इसे जलाते नहीं है बल्कि अलग कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, जब जिस लड़की का इस्तेमाल दाह संस्कार में भी नहीं किया जाता, उसे हम पूजा पाठ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अगरबत्ती आदि का उपयोग निषिद्ध बताया जाता है। आपको बता दें, पूजा पाठ पौराणिक काल से चली आ रही परंपरा है और उस वक्त धूप अगरबत्ती आदि होते ही नहीं थे। चंदन की लकड़ी आदि को जलाकर वातावरण शुद्ध किया जाता था, जिसका अपना महत्व था। साथ ही शास्त्रों के अनुसार बांस जलाना परिवार के लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि इससे वंश वृद्धि का नाश होता है और अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर आप धार्मिक तथ्यों में मान्यता रखते हैं तो कभी भी बांस की बनी अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें।